अंदाज 1949 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की फिल्म है। महबूब खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है और ये पहला और आखिरी मौका था जब दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ नजर आए थे। बाद में दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों ने सफलता की बुलंदियों को छुआ। अंदाज की नायिका थी नरगिस। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म के साथ हिंदी फिल्मों में लव ट्रायंगल्स को एक अलग ही मुकाम पर ले गए। आज नरगिस को हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और उनके करियर में अंदाज फिल्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम दिलीप कुमार की बात करें तो अंदाज उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद ये स्टार सुपरस्टार बन गए और उन्हें ट्रेजेडी किंग से एक नई पहचान मिली। राज कपूर और नरगिस इससे पहले फिल्म आग में भी नजर आए थे, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली अंदाज फिल्म से। फिर तो ये जोड़ी 14 फिल्मों में साथ साथ नजर आई। ये एक लौती फिल्म है जिसमें लेजेंड दिलीप कुमार और राज साहब बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आए। इसके बाद ये जोड़ी फिल्मी पर्दों पर कहीं नजर नहीं आई। इस फिल्म में गाने के लिरिक्स लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। दिलीप साहब के गाने फिल्माए गए मुकेश की आवाज में, जबकि राज साहब की आवाज बने रफी साहब। उस समय की टॉप सिंगर थी शमशाद बेगम, मगर नरगिस के लिए नौशाद चाहते थे लता जी की आवाज। एक दिन इस फिल्म के चलते रिकॉर्डिंग के वक्त राज कपूर और डायरेक्टर महबूब खान साहब लता की आवाज सुनने के लिए बेताब थे। राज कपूर साहब को लता की आवाज दिल को इतनी छू गई कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म बरसात के सारे गाने उन्हीं से गवाए, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। अंदाज फिल्म को सुनहरे पर्दे पर खूबसूरती से दिखाने का श्रेय जाता है फिरदून ईरानी को। अंदाज एक ऐसी फिल्म थी जिसने वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को एक साथ प्रेम कहानी के जरिए दर्शाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।